बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर अजीब सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को झुकाने की एक तरकीब खोजी। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उससे यह बात छुपाकर रखने के लिए कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है, सुबह तो वो हमारे पास ही थी, सोच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब मैं वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। बादशाह ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि यह काम महल के ही किसी व्यक्ति का होगा, बाहरी आदमी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। बीरबल तुम ज्योतिष शास्त्र बखूबी जानते हो, अतः चोर का पता लगाओ। बीरबल ने उस जगह का पता पूछा जहां उन्होंने सोच जाने से पहले अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान लगाकर कुछ देर बाद हटा लेने का नाटक किया। देखने से यह लगता जैसे वह कोई बात सुनने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो वह घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल पहले से ही चौकन्ने थे, सरदार की हरकत उनसे छिप नहीं सकी। फौरन ही बीरबल ने उस सरदार को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया और कहा, जहां पना आपकी अंगूठी के चोर यही हैं। यह बात बादशाह पहले से ही जानते थे और वो बीरबल की इस चतुराई से बेहद खुश हुए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।